Hello, my all subscriber and new page visitors. I am Hari. I found big mistakes in plinth beam. 3 12 mm bar was given at top and 12 mm bar, 2 number given at bottom. दूसरा big mistake मैंने पाया stirrups के बांधने में. Stirrups actually हम shear force को resist करने के लिए देते हैं और मैंने पाया कि ये 300 mm center throughout बांधा हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लिंथ बीम में 3 12 mm बार एट टॉप एंड 2 12 mm बार एट बॉटम, ये कैसे गलत है? और उनकी जो स्ट्रिप्स है, ये जो बहुत दूर दूर पर थ्रोट बांध रखे हैं, वो कैसे ये गलत बांध रखे हैं? इसको हम एक ड्राइंग के द्वारा स्टडी करेंगे तो बेटर समझ में आएगी. चलिए हम देखते हैं ये होता क्या है. I request my all channel visitors and my followers to please put your subscription, likes and comments to encourage my channel. ये एक शेयर फॉर डायग्राम है जिसमें देख लीजिए सपोर्ट पे जो है, दोनों सपोर्ट पे, लेफ्ट सपोर्ट राइट सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भी है. भी मीन्स शेयर फोर्स, और धीरे धीरे ये मिड में कम हो जा रही है. तो इसीलिए शेयर फोर्स में एल बाई फोर तक सपोर्ट से हम 6 इंची देंगे सेंटर सेंटर, और ये धीरे धीरे सपोर्ट से मिड की तरफ हम स्पेसिंग को बढ़ाते जाएंगे. और मान लिया जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द बीम के दोनों साइड में L/4 तक सेंटर से, वी मे कीप स्पेसिंग एट रेट ऑफ 200 mm सेंटर सेंटर. एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं. सपोज स्पेन की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, तो एल बाई फोर कितनी हुई? 4 / 4 = 1 मीटर. दोनों सपोर्ट से 1 मीटर हम 150 mm सेंटर सेंटर 8 mm स्ट्रिप्स को पुटअप करेंगे. नाउ 4 - 2 मीटर, सिर्फ हमें 2 मीटर बचा. तो हम जो बीम की जो सेंटर है, स्पेन के सेंटर से 1 मीटर लेफ्ट 1 मीटर राइट, 8 mm स्ट्रिप्स को अच्छे से लोहे के साथ बांध देंगे. सरिया बांधते समय, लोहे को बांधते समय वी हैव मस्ट केयरफुल, क्योंकि इसको फिर से डिसमेंटल करना और फिर से असेंबल करना, इट विल एस्केलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड टाइम. सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द स्टील रेइंफोर्समेंट. लेट अस सी व्हाई द डिजाइनर पुट मोर स्टील एरिया इन द बॉटम ऑफ द बीम इफ द स्पेन इज सिंपली सपोर्टेड और continuous. In both the cases they put more area of steel at the bottom of the RCC beam. This is the stress diagram. जब भी loading होती है किसी भी स्पेन पे, तो उसकी जो टॉप पोर्सन है, जैसे जो बीच का जो देख रहे हैं RCC में, इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस. द न्यूट्रल एक्सिस विच इज इन द मिडिल ऑफ द सेक्शन विल डिवाइड द क्रॉस सेक्शन इन टू पार्ट. टॉप पार्ट विल इन कंप्रेशन एंड बॉटम पार्ट विल बी इन टेंशन. जब भी लोडिंग होती है तो क्या होती है, वो बेंड करना चाहेगा. तो ऊपर की जो पोर्शन होती है किसी भी आरसीसी की बीम की, स्पेशली फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस बीम, ऊपर में हमेशा कंप्रेस होते हैं और बॉटम में हमेशा टेंसाइल होते हैं. इस कारण से हम टेंसाइल जोन में ज़्यादा स्टील देते हैं. वीडियो को दोबारा वॉच करें एवं अच्छे से समझने की कोशिश करें. टिल देन गुड बाय. अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं. टेक केयर. हेलो फ्रेंड, आई एम हरी. वेलकम टू सीएस टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल. चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें.